भैया कह रहे कल ही डाल दे। ओके सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अभी आई एम श्योर सबकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी, ज़बरदस्त नहीं होगी तो टेंशन बहुत ज़बरदस्त होगी क्योंकि पेपर इज जस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो आई विल बी डीलिंग विद मॉडर्न हिस्ट्री। आपके जो हिस्ट्री का पार्ट है दैट इज एंशियंट मिडीवियल एंड योर मॉडर्न हिस्ट्री, आप मॉडर्न हिस्ट्री में से कम भी 7 से 8 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलिए ही चलिए, क्योंकि JKSSB हमेशा अब तक तो उसने हमेशा मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। फाइन, हिस्ट्री से आपके कोई 12 से 15 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से मेजर पोर्शन जो है वो आपका मॉडर्न से ही कवर होगा। इसके बाद यू शुड डील विद एंशियंट हिस्ट्री, और एंशियंट हिस्ट्री के बाद अगर थोड़ी सी जान और टाइम बचता है तो आप मिडीवियल के ऊपर जंप करें। बट माय रिकमेंडेशन इज कि पहले आप एंशियंट को कवर करें, मॉडर्न के बाद एंशियंट, और एंशियंट के बाद स्टेप ऑन टू मिडीवियल हिस्ट्री। एम आई क्लियर? ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका मॉडर्न हिस्ट्री। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री, एक्चुअली अगर आप एंशियंट का देखें, मिडीवियल का देखें या आप मॉडर्न का देखें, इन तीनों हिस्ट्रीज में कोई ना कोई इंडिया में आया ही आया है। अगर आप एंशियंट की बात करें दैट इज आर्यन, जिसमें आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर आपका मिडीवियल हिस्ट्री आता है दैट इज द राइज ऑफ इस्लाम इन इंडिया। और फिर फाइनली आता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री दैट इज एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। When I say Europeans, I am not primarily focusing on Britishers. Britishers भी आपके Europeans थे, लेकिन उनसे पहले भी बहुत से Europeans थे जो यहाँ पर आए थे। To start with, India जो है basically एक आपने सुना होगा सोने की चिड़िया, right? तो सोने की चिड़िया का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सोना बहुत ज्यादा था। सोने की चिड़िया कहने का मतलब है कि इंडिया हैड लॉट ऑफ स्पाइसेस, यहाँ पे स्पाइसेस बहुत ज्यादा मिलते थे, जिसके चलते अरब पीपल वर ऑलरेडी डूइंग ट्रेड ओवर हियर। अब यहाँ पे ये मस्त ट्रेड कर रहे थे, देयर लॉट ऑफ रीजन जिसकी वजह से अरब्स यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहे थे। वन ऑफ द मेजर रीजन इज कि अरब जो है वहां पे क्या होते, ज्यादा मीट वगैरह खाने वाला कंट्री है, राइट, एरिया है वो, तो वहां पे स्पाइसेस चाहिए, ठीक है, उसको मैरिनेट करने के लिए। तो उन चक्रों में ये यहाँ पर आए थे और यहाँ पे जो है अपना ट्रेड वगैरह यहाँ पर कर रहे थे। प्रॉब्लम शुरू होती है जब आपका टर्की जो है दैट इज कॉन्स्टेंटिनोपल, वहां पे राइज ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हो जाता है, जिसकी कैपिटल इज इस्तांबुल आज के टाइम पे, ठीक है। उस टाइम की जो कैपिटल थी वो आज के टाइम पे इज इस्तांबुल। नाउ जब वहां पे ट्रेड होता है, आप घर जाके एक बार मैप को देखिएगा, अगर आप मैप देखेंगे ना, इट इज वेरी नियर टू योर मेडिटेरियन सी। नाउ दैट मेडिटेरियन सी वॉज द मेजर एरिया जहां से ट्रेड जो है वो होता था, ठीक है। अब जब वो लोग वहां पे आ गए तो उन लोगों ने वहां पे टैक्स इम्पोज करना शुरू कर दिए, जैसे कि जैसे आपका स्विस केनाल है। अब जब स्विस केनाल से जब कोई शिप पास करता है तो वहां पे इजिप्ट, क्योंकि वो इजिप्ट के पास है वो केनाल, तो वहां पे वो टैक्स इम्पोज करते हैं, बहुत भरकम जो है टैक्स लेते हैं कि आप इतना जो है गुड्स लेके जा रहे तो हमको इतना टैक्स भरो। सिमिलरली उन्होंने भी टैक्स इम्पोज करना शुरू कर दिया। अब जब टैक्स इम्पोज होगा तो क्या होगा, अगर कोई चीज 100 रुपए की मिल रही थी, अब उसके ऊपर 100 रुपए का टैक्स लग गया तो वो 200 की बन जाएगी, तो आगे मार्केट में वो 250 की या 220 रुपए की बिकेगी, जिसके चलते गुड्स की प्राइसेस जो है वो यूरोप में बहुत ज्यादा बढ़ने शुरू हो गई। और यहाँ पे नीड हुआ कि हमको एक ऑल्टरनेटिव रूट जो है उसको उसकी खोज करनी पड़ेगी। नाउ इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ है, एक इमेजिनरी जो है बाउंड्री वगैरह बनाया गया था पोर्चुगीज और स्पेन के बीच में, उन सब में आपको घुसने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो बहुत डीप स्टडी हो जाएगा, आपकी JKSSB में इतना पूछते नहीं है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया, सो दे वर पोर्चुगीज, दे वर नॉट ब्रिटिशर्स। तो याद रखना पोर्चुगीज वर द फर्स्ट पीपल टू कम टू इंडिया। आई विल मेक यू राइट, डोंट वरी, आई विल गिव यू द टाइमलाइन, आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब पोर्चुगीज में सबसे पहले कौन आया, वास्को डी गामा से पहले भी आए थे लोग, लेकिन वास्को डी गामा का नाम सबसे ज्यादा फेमस हुआ है। फेमस इसीलिए हुआ है क्योंकि जो इनसे पहले आए थे उन्होंने एक केप ऑफ गुड होप की खोज कर दी, दैट इज व्हाट केप टाउन, साउथ अफ्रीका वाला एरिया, अफ्रीका वाला एरिया सबसे नीचे वाला। नाउ बाकी लोग जो आए वो कोई वेस्ट इंडीज पहुंच गया, कोई कहीं पहुंच गया, वास्को डी गामा ने वही वाला रूट फॉलो किया। नाउ इजिप्ट वाली साइड में ना हमारे मर्चेंट्स वहां पर काम करते थे, मोस्टली गुजराती मर्चेंट्स जो थे वो वहां पे काम करते थे। वास्को डी गामा जी वहां गए, उनको बोला कि मुझे इंडिया लेकर चलो,
आई थिंक एको हो रहा है ना। ओहो, माइक तो नीचे ही रह गया। इज इट फाइन नाउ? ठीक है। सो अब जब ये गुजराती मर्चेंट्स के पास गए, उन्होंने बोला कि मुझे कहाँ लेके जाओ, इंडिया लेकर जाओ। वहां से वास्को डिगामा ने पकड़ा, अब्दुल माजिद वॉज द नेम ऑफ द वन, जिसके साथ वो अपनी शिप के ऊपर, और शिप का नाम था साओ गैब्रियल, जिसके ऊपर चलकर, तैर करनी मतलब समझ गए ना क्या करके, वो जो है आपके कैलीकट में पहुंच जाते हैं। अब कैलीकट में स्वागत करने के लिए था कैलीकट का राजा, जिसका नाम था ज़ेमुरिन। सो याद रखिएगा, ज़ेमुरिन वॉज द वन, जिसने आपके वास्को डिगामा को जो है बहुत ज्यादा वेलकम किया था। अब आप सोचेंगे ज़ेमुरिन को क्या पड़ी थी वास्को डिगामा का वेलकम करने की। बेसिकली जो ज़ेमुरिन था ना, ज़ेमुरिन को पता था कि जिस एरिया में मैं रिजाइड करता हूँ, ये जो मेरा एरिया है, वहां पे सोर्स ऑफ इकोनॉमी इज ट्रेड। यहाँ पे अरब भी ट्रेड कर रहे थे, तो इसने कहा कि अच्छी बात है, अगर बाहर के लोग भी यहाँ पर आएंगे तो ट्रेड और ज्यादा फ्लरिश होगा, और अगर ट्रेड फ्लरिश होगा तभी तो मेरे बंदों को भी ज्यादा इकोनॉमी बढ़ेगी और इनकी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल राइज। तो इसने वास्को डिगामा का बहुत ज्यादा स्वागत किया। अब वास्को डिगामा जी यहाँ पर आए, वास्को डिगामा ने ट्रेड वगैरह शुरू किया। किताबों में लिखा गया है कि एक शिप के ऊपर ये आया था, और जब वापस गया तो तीन शिप भरकर सामान जो है वो लेकर गया था, और इतना प्रॉफिटेबल हो गया कि बाकियों ने देखा कि यार ये तो 3 महीने में लखपति करोड़पति बन गया, तो चलो हम भी चलते हैं इंडिया की तरफ। अब ये इतना लखपति करोड़पति क्यों बना? इसीलिए बना क्योंकि वहां पे जो प्राइसेस थे वो बहुत ज्यादा थे। अब जैसे कि पाकिस्तानी सलवारें पहनते थे हम सारे, राइट, लड़कियां पहनती थी ऑफ कोर्स, तो पहले ठीक है। अब जैसे कि अगर कोई मुझे बोले कि मैम ये तो 1500 की सलवार है, ठीक है, अब मुझे कोई बोले मैम सेम कपड़ा सेम डिजाइन 500, तो बोलूंगी हट, तो मैं चल जाऊंगी 500 की तरफ, राइट। अब उसको शायद वो सिर्फ 400 की मिली होगी, लेकिन उस क्या होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जब लोग भारी भरकम सामान उठाने लगते हैं तो क्या होता है प्रॉफिट होता है। सिमिलरली वही चीज हुई आपके वास्को डिगामा के साथ, और जब वास्को डिगामा टर्न आउट टू बी सो प्रॉस्परस, इट इनवाइटेड अदर यूरोपियंस टू कम टू इंडिया। नाउ प्लीज राइट डाउन द फर्स्ट यूरोपियंस, टू कम टू इंडिया were Portuguese. To come to India were Portuguese. ठीक है? The first Europeans to come to India were Portuguese. Next line लिखिए, Vasco da Gama, Vasco, Vasco. Vasco da Gama was welcomed by King of Calicut. He was welcomed by King of Calicut. What was the name of the king? Zemurin. ठीक है? Done. Next point लिखिए, second Europeans were Dutch. Next लिखो, followed by British East India Company. Next लिखिए, fourth है आपके Danes. लिखिए Danes, D-A-N-E-S, D-A-N-E-S, Danes were the fourth to come to India.
एंड लास्ट टू कम टू इंडिया वर फ्रेंच, वर फ्रेंच, वर फ्रेंच। ठीक है, अब अगर आपको पूछा जाए हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस एंड द लास्ट टू लीव इंडिया, देवर पोर्चुगीज। याद रखिएगा ये सबसे पहले आए थे और सबसे एंड में गोवा से इनको धक्के मार के निकालना पड़ा बाहर, फिर जाके ये निकले थे, वरना दीमक की तरह वहां पर चिपक गए थे। अगर हम फ्रेंच की बात करें, दे वर द फर्स्ट टू कम, दे वर द लास्ट टू कम एंड फर्स्ट टू लीव इंडिया। ये सबसे एंड में आए, लेकिन सबसे पहले ही सब कुछ हार हूर के ब्रिटिशर्स को सब सौंप कर चले गए। अगर आप बाकी देखेंगे ना, ब्रिटिशर्स का नाम इतना ज्यादा इसीलिए हुआ क्योंकि जो बाकी के लोग थे वो पोर्चुगीज तो अपना मस्त ट्रेड करने शुरू हो गए, एक जगह पे रिजाइड कर बैठ गए थे। डच ने आवाज उठाई, एंग्लो डच वॉर हो गई। आपके डेन्स ने उठाई, डेन्स की तो खैर आवाज उठाने की कोई क्षमता ही नहीं थी क्योंकि उन्होंने पहले ही सब कुछ जो है ब्रिटिशर्स को देके दे ऑल लेफ्ट। अगर फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच द बैटल ऑफ वॉन्डेवॉश, उस वॉन्डेवॉश की वॉर में फ्रेंच लोगों का पूरा वॉश हो गया था और ये भी इंडिया से सब कुछ समेट कर अपना सामान दे ऑल्सो वेंट बैक टू फ्रांस। एम आई क्लियर? सो पूछा जाएगा हु वर द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव, दे वर द पोर्चुगीज पीपल। ठीक है, नाउ अगर पोर्चुगीज में सबसे फेमस कौन था तो इट वॉज योर वास्को डी गामा। ठीक है, एंड किसके वाया आया था, ही केम वाया केप ऑफ गुड होप और वहां पे इजिप्ट से इसने उठाए गुजराती मर्चेंट और जिसके साथ जिस शिप में जो इसका वो था क्या बोलते उसको कैप्टन था जो उसके एक्चुअली कैप्टन नहीं कह सकते, जैसे कि अगर मैं बोलूंगी ना किताबों में लिखा गया है पायलट, बट जो आपका शिप होता है उसको जो चलाता है उसको पायलट नहीं उसको कैप्टन कहा जाता है, जबकि ये कैप्टन नहीं था, इसने तो बस रास्ता दिखाया था कि ऐसे ऐसे यहां से हमको जाना है, जबकि कैप्टन तो ये खुद ही था। ठीक है, सो इट वॉज अब्दुल माजिद जिसके साथ ये जो है उसको वहां से इजिप्ट से लेके जो है यहाँ पे आपके इंडिया में आ गया था। और अगर पूछा जाए व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप, किताबों में नहीं लिखा है बट मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी उसमें था, दैट इज साओ गैब्रियल। व्हाट इज इट? साओ गैब्रियल। ठीक है, सो साओ गैब्रियल वाज द नेम ऑफ द शिप जिसके जिसपे चल जिसपे बैठ कर आपका वास्को डी गामा रीच इंडिया। आपको पूछ सकते हैं कि कहां पर आया था, सो ही लैंडेड एट कैलिकट। ये याद रखिएगा कि ये कैलिकट पे इसने लैंड किया था। नाउ पोर्चुगीज इज डन, आपकी जो वो है सिलेबस है उसमें लिखा है फ्रीडम स्ट्रगल, राइट? नाउ फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ने के लिए बिकॉज यस कुछ ने कुछ बोला, कौन सा वाला साओ गैब्रियल, ये वाला बोल रहे हो? हाँ मैं बताती हूँ, ये जो साओ गैब्रियल है ना, अब देखो वास्को डी गामा शिप पर आया तो उस शिप का नाम क्या था, उस शिप का नाम था साओ गैब्रियल। ठीक है, और जो उस शिप को चलाकर इंडिया या कैलिकट आया था इसको लेकर, दैट वॉज अब्दुल माजिद। एम आई क्लियर नाउ? शायद आप फर्स्ट टाइम सुन रहे तभी लग रहा होगा। ठीक है, एम आई क्लियर? इफ एट ऑल कुछ समझ नहीं आए प्लीज स्टॉप मी राइट देयर एंड आस्क। ठीक है, और अगर किसी को शर्म आता है तो क्लास के बाद। ठीक है, ठीक है, चले आगे। नाउ आपके सिलेबस में लिखा है फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर एकदम जंप करने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि ब्रिटिशर्स का सफर यहाँ पे रहा कैसे। नाउ जैसे ही ये यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले तो 1599 की बात है जब इनको ब्रिटेन दैट इज यूके वहां से जो है क्वीन ने इनको चार्टर दिया कि जाओ और जाकर क्या करो, जाकर ट्रेड करो। तो उस चार्टर को लेके, चार्टर क्या होता है, एक तरीके की इजाजत कि आप वहां जाकर जो है ट्रेड कर सकते हो, तो उस चार्टर को लेके दे ऑल केम टू इंडिया। नाउ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नॉट द ओरिजिनल नेम ऑफ द कंपनी, देर वर टू डिफरेंट कंपनीज और जब वो दो डिफरेंट कंपनीज मिल जाती है फिर उनका नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ जाता है। अब आप ये मत सोचने बैठ जाना कि पोर्चुगीज कंपनी का नाम क्या था, फ्रेंच की कंपनी का नाम क्या था, इनके नाम बड़े आड़े तेड़े हैं, लेकिन अगर आप इनको लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे ना इंग्लिश तो वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी ही है। मतलब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिमिलरली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ अभी तक जब ये यहां पर आए तो ये एज अ
ट्रेड करने के लिए आए थे. अब ये कोई 1600 की बात है जब ये यहाँ पर आते हैं. इट वॉज बेसिकली योर विलियम हॉकिंस जो जाता है आपके जहांगीर के कोर्ट में. नाउ देयर आर अगेन टू क्वेश्चंस जो आपको पूछ सकते हैं. पहला कि यूरोपियंस जब यहाँ पर आए थे उस टाइम पर, मतलब जब आपके ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे एज अ कंपनी, तब यहाँ पे कौन सा मुगल सुल्तान था? तो दैट वॉज अकबर, नॉट जहांगीर. अगर पूछा जाए कि इन्होंने कंपनी किसके रेन में बनाई है, तो आंसर बन जाएगा जहांगीर. एम आई क्लियर? हो गया क्लियर? ठीक है. तो अब ये जहांगीर के कोर्ट में जाता है कैप्टन हॉकिंस और बोलता है कि जहांगीर जी, मतलब बहुत इज्जत फरमान देता है, सुल्तान था भाई, मजाक थोड़ी है. तो ये जाता है और बोलता है कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे ट्रेड करना है, एंड आई वॉन्ट टू बिल्ड सम कमर्शियल टाइज विद यू. तो वो जहांगीर है भाई, हिंदुस्तान का सुल्तान था, उसने बोला कि चल चल, कोई जरूरत नहीं ट्रेड वेड करने की मेरे साथ. तो ये बोलता है कि नहीं, कोई कमर्शियल टाइज में तुम्हारे साथ नहीं बनाने वाला, अगर करना ही है तो तुम एक तरीके का फरमान दे देता है कि ठीक है, तुम थोड़ा बहुत जो है ट्रेड कर सकते हो, बट मेरे साथ कमर्शियल टाइज या कंपनी की स्थापना यहाँ पे नहीं कर सकते. तो याद रखिएगा 1611 में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे क्या शुरू कर दिया, उनको ट्रेडिंग का राइट यहाँ पर मिल गया था. एट कहां से ट्रेडिंग का राइट मिला था? मसूलीपट्टनम, याद रखिएगा, इट इज नॉट सूरत. सूरत में कंपनी बनी थी. क्लियर? लिखिए, सूरत में कंपनी बनी थी, ट्रेडिंग का राइट नहीं मिला था. लिखो, इन 1611, इन 1611 इंग्लिश started trading, English started trading at Masulipatnam. ठीक है, at Masulipatnam. ठीक है, दोनों में फर्क है, कंपनी में और ट्रेडिंग में फर्क है. ट्रेड क्या हो गया, जैसे कि अब देखो, सिंपल है, सिंपल सरल भाषा में, मैं यहाँ पे क्लास लेने आती हूँ तो ये मेरा अपना थोड़ी हो गया. ठीक है, तो अभी मुझे बोला कि ठीक है आप क्लास ले लो, इनको भी बोला कि ठीक है आप ट्रेड कर लो, लेकिन कंपनी वंपनी बनाने की कोशिश यहाँ पे नहीं करना. ये आपका प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश, ठीक है, प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में पड़ता है आपका मसूलीपट्टनम. ठीक है, डन. आगे लिखिए, इन 1613, इन सिक्स, यस, जाना है आपको, इतने बोर हो गया, जाओ जाओ, जाने वाले को कौन रोक सकता है. ठीक है, ओके, चलो. इन 1613 ब्रिटिशर्स इस्टैब्लिश्ड देयर फैक्ट्री एट सूरत. कौन बोला, मतलब कौन, किसने पूछा क्वेश्चन? ठीक है, सो ब्रिटिशर्स इन 1613 स्टार्टेड देयर फैक्ट्री एट सूरत. सो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्रेडिंग कहां से किया है, तो मसूलीपट्टनम से किया है. अगर पूछा जाए कि कंपनी कहां पे बनी है, तो कंपनी जी आपकी सूरत में बनी है. ठीक है, ओके, फाइन. ठीक है, अब इनकी पोर्चुगीज के साथ भी लड़ाई हुई, फ्रेंच के साथ भी लड़ाई हुई, पर हमको इतना उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट नहीं है. आपका फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट होता है विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857. नाउ इसमें ना जो आपका ये दिया हुआ है ना, बैटल ऑफ बक्सर वगैरह के बारे में, दिस पहले प्लासी का दिया है, फिर नीचे आपका बक्सर का दिया है, ये बेसिकली आपका आ जाएगा मिडीवियल. जब आपका एंडिंग फेज था ना मिडीवियल का, मतलब मिडीवियल भी नहीं कह सकते, ये जब ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने कैसे बंगाल में अपना पूरा का पूरा जो है रोप जमा दिया था. ठीक है, तो ये हम जो है आपका मिडीवियल जब करेंगे तब उसमें एंडिंग के फेज में ये पढ़ेंगे, बट अभी हम स्टार्ट करेंगे आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857, क्योंकि एक्चुअली में क्वेश्चन यहीं से ही पूछा जाता है. नाउ बिफोर स्टेपिंग ऑन टू रिवॉल्ट ऑफ 1857, जस्ट लिसन टू अ कहानी कि एक्चुअली में हुआ क्या था. नाउ दो इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, दैट इज योर प्लासी 1757 एंड द अदर इज योर बक्सर, दैट इज 1604. नाउ
these two battles were the decisive battles for Britishers. Plassey कह सकते हैं, लेकिन अगर एक्चुअली में होता है ना कि ब्रिटिशर्स ने अपने पहले ऐसे हाथ रखे थे और फिर बिल्कुल ऐसे पकड़ के बैठ गए, तो वो था आपका बैटल ऑफ बक्सर के बाद। बक्सर के बाद इन्होंने बंगाल में ड्यूल सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसमें एक होता था निजामत और एक होता था आपका ट्रेडिंग वाला, ठीक है। तो इन्होंने सब कुछ जो है अपने अंडर ही रख दिया, जिसके बाद बंगाल जो है वो होली सोली इन लोगों के अंडर ही जा चुका था। सो बक्सर टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी टर्निंग पॉइंट फॉर ब्रिटिशर्स इन इंडिया। नाउ जैसे ये लोग यहाँ पर आ गए ना, इसके बारे में एक्चुअली जब हम आपका सोशल इश्यूज पढ़ेंगे ना तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि रिवॉल्ट के बारे में पढ़ना है तो रिवॉल्ट के कॉजेज, देयर लॉट ऑफ कॉजेज, तो उसमें भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। नाउ यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स आए तो यहाँ पे मिशनरीज आना शुरू हो गई। मिशनरीज कहने का मतलब है कि इन्होंने वेस्टर्न कल्चर की तरफ लोगों को प्रमोट करना शुरू कर दिया, और यहाँ पे हम लोग तो वैसे ही बड़े परेशान थे क्योंकि यहाँ पे वर्ण सिस्टम होता था, कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा रिजिड था यहाँ पे, तो लोगों को बोलते थे कि अगर मिशनरीज की तरफ शिफ्ट करोगे, क्रिश्चियनिटी की तरफ शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको वहाँ पे इक्वालिटी वगैरह उस सब का लालच देके पीपल स्टार्टेड टू यू नो दे स्टार्टेड टू यू नो गेट देमसेल्फ मोर टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी, ठीक है। सो दैट वॉज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से जो इंडियंस थे दे वर नॉट हैप्पी, एंड प्राइमरीली ब्राह्मण्स वर नॉट हैप्पी। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण्स दे वर एंजॉइंग द वर्ण सिस्टम, क्योंकि वो तो टॉप पर थे, पढ़ने का राइट भी उनका, जजमानी जजमान बनने का राइट भी उनका, तो सब कुछ जो है जो आपके ब्राह्मण्स थे दे वर एंजॉइंग अ लॉट, ठीक है। नाउ दे वर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमारे प्राइमरीली आपके हिंदू कल्चर में थी, दैट इज सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड, विडो री मैरिज, विडो को तो वो ही समझना कि वो क्यों मर गया, ये मर जाती, ठीक है। सो इतनी बुरी हालत थी कि विमेन की यहाँ पे बहुत ही बुरी हालत थी। इससे पहले इन्होंने एंटी सती एक्ट लाया है, इन्होंने विडो री मैरिज को प्रमोट किया है। आज के टाइम पे हमको सोच के लगेगा कि इन्होंने कितना अच्छा काम किया है, नो डाउट किया है, बट आप जरा उस टाइम पे जाके सोचो जब ये चीजें हमारे कल्चर में घुसी हुई थी, तो अगर आपको कोई बोले, अब मुझे कोई बोले ये करवा चौथ वरवा चौथ बकवास होता है, नहीं रखने की जरूरत, तो मैं कहूंगी यार ये क्या बात हुई, है ना, होता है ना, और स्पेशली जब वो किसी और रिलीजन का है, समझ रहे हो मेरी बात, जब आपका बंदा कोई आपको बोलेगा कि यार ये बकवास, तो आप फिर भी कहोगे हाँ यार सही बात है, लेकिन अगर कोई और रिलीजन का बंदा आपको ऐसे बोले तो दुख लगता है, ठीक है। तो वही दुख जो है इन लोगों को भी लगा था। इनके द्वारा एंटी सती लॉ पास किया गया, विडो री मैरिज को प्रमोट किया गया, सो कहीं ना कहीं दे थॉट कि ये हमारा हिंदू कल्चर खत्म करने की बात कर रहे हैं, सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस। इसी के ही साथ पीजेंट्स, उनकी बड़ी बुरी हालत थी, जमींदारी सिस्टम यहाँ पे था, आपका रियोतवारी सिस्टम था, बहुत बुरी हालत, मतलब इनके ऊपर इतने अनजस्ट टैक्सेस थे कि ये बेचारे अपना क्या बोलते हैं, लगान तो क्या देंगे, अपना पेट पालने के लिए भी इनके पास जो है ग्रेन्स वगैरह नहीं रहते थे। सो देवर अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो आपके एक तो कल्चरली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी लोगों के साथ, एक आपके पीजेंट्स बहुत डिस्टर्ब थे, और सबसे ज्यादा डिस्टर्ब थे आपके सिपॉयस। नाउ सिपॉय की जब हम बात करते हैं तो आप सीधे आपके दिमाग में आता है कार्ट्रेज, दैट कार्ट्रेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड। नाउ दैट वॉज नॉट द ओनली रीजन जिसकी वजह से इतना बड़ा रिवॉल्ट हुआ था। जो हमारे इंडियन सिपॉयस थे उनकी बड़ी बुरी हालत थी। अगर यहाँ पे एक अंग्रेज था और उसी के ही लेवल पे अगर एक इंडियन था तो इसको ज्यादा इज्जत दी जाती थी, इसको ज्यादा पैसे दिए जाते थे, और इसका मतलब दे कुड नॉट इवन इंटर डाइन कि इकट्ठे बैठ के ये लोग खाना भी नहीं खा सकते थे। सो बेसिकली ये जो पीज या आपके सिपॉयस थे देवर नथिंग बट देवर पीजेंट्स इन यूनिफॉर्म, कि ये भी बेचारे वो फार्मर्स की तरह ही थे, पीजेंट्स की तरह ही थे, फर्क इतना था कि ये लोग वर्दी पहनते थे। सो ये सब चीजें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों के ऊपर बढ़ने लगी, बट द टर्निंग पॉइंट केम जब इंट्रोड्यूस होता है इनफील्ड राइफल। जैसे ही इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस होता है तो उसका जो कार्ट्रेज था जिसको बारूद बोलते हैं उसको भरकर मारना पड़ता था ना, उस कार्ट्रेज को मुंह से उखाड़ना होता था और उसको लोड करना होता था। अब एक अफवाह उठी कि ये जो कार्ट्रेज है उसमें फ्लैश मिला है आपके बीफ और पोक का। ऊपर वाले का बड़ा बड़ा शुक्र है कि दोनों थे, अगर एक होता तो दूसरी पार्टी नहीं बोलता, और अगर ये वाला होता तो वो वाली पार्टी नहीं बोलता, तो ये ऊपर वाले का शुक्र था कि बीफ और पोक दोनों के दोनों इसमें मिले हुए थे।
बीफ जिसको मुंह से लगाना यूज टू बी धर्म भ्रष्ट फॉर हिंदूज और पोक जिसको मुंह से लगाना यूज टू बी हराम फॉर इस्लाम, राइट? एम आई राइट? तो इसके चक्रों में क्या हो गया, जैसे ही अफवाह उठी सारे सिपॉयज ने बोला कि हम लोग जो हैं इसको नहीं तोड़ेंगे। अब जैसे ब्रिटिशर्स ने देखा कि यार इनको तो खबर लग गई और ये तो अब भड़कने शुरू हो गए, उन्होंने वैसे ही इनफील्ड राइफल के ऊपर क्या लगा दिया, स्टॉपेज। जैसे ही स्टॉपेज लगा लोगों ने समझ लिया कि ये अफवाह नहीं थी, ये सच था। एंड दिस टर्न्ड आउट टू बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड दिस वॉज द ट्रिगर। ये ट्रिगर पॉइंट था, बारूद तो बहुत पहले से भर चुका था बट ट्रिगर दबाया आपके सिपॉयज ने। जब भी हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 की बात करते एक नाम दैट इज मंगल पांडे, उनका नाम हम जरूर लेते हैं। याद रखिएगा मंगल पांडे जो है वो बारकपुर से बिलोंग करते थे, वहां के सिपाही थे और उन्होंने मेजर सार्जेंट मेजर बाग, वेरी गुड, थैंक यू। सो याद रखिएगा मंगल पांडे ने किनको मारा था, सार्जेंट मेजर बाग, उनको इन्होंने शूट किया था। किसने शूट किया था इनको, मंगल पांडे ने इनको शूट किया था। आपने अगर पिक्चर देखा होगा तो उसपे भी शूट करते हैं ना ये, जब सामने से ब्रिटिशर्स होते हैं और ये शूट करते हैं, तो ये वो सार्जेंट मेजर बाग थे जिनको मंगल पांडे जो है वो शूट करते हैं। और यहां से क्या हो जाता है, आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 शुरू हो जाता है। I'll read all this also, but अभी I'm just telling you कहानी ना कि जब हम इसको पढ़े तो आपको समझ आए, ठीक है? Am I clear? So I told you about some of the social religious causes. I told you about the religious causes. That is this. इसके अलावा हमने military causes पढ़े. This was the trigger point. लेकिन क्योंकि जो आपके सिपाहियों थे, they were nothing but they were peasants in uniform. तो that was also a point जिसकी वजह से जो है revolt के लिए लोग already अंदर ही अंदर तैयार हो रहे थे। अब ये सब तो reasons हो गए, लेकिन इसी के साथ economic reasons में आपके peasants वगैरह आ गए, ठीक है? लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो है आपका political reasons, कि politics में इन्होंने ऐसा क्या किया जिसके चलते जो राजा महाराजा थे उन्होंने भी इनको join करना शुरू कर दिया। Now two things were introduced in India, that is number one subsidiary alliance and number two the doctrine of lapse. First is subsidiary alliance. अगर आप इस शब्द को तोड़ देंगे, सब्सिडरी मतलब किसी के अंडर आ जाना, राइट? सो सब्सिडरी अलायंस विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेंसले, आपके लिखा है नोट्स में, लॉर्ड वेंसले ने इसको इंट्रोड्यूस किया। याद रखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाता है कि किसके द्वारा ये इंट्रोड्यूस हुआ था। सो लॉर्ड वेंसले ने इंट्रोड्यूस किया आपका सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस में क्या था कि अगर आपने सब्सिडरी अलायंस को साइन कर दिया तो नंबर वन चीज, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। कौन देगा जी प्रोटेक्शन? ब्रिटिशर्स, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। अगर आपकी किसी और राजा के साथ या किसी और राज्य के साथ लड़ाई होती है तो हम आपके दोस्त बन के आपका साथ देंगे। नंबर टू पॉइंट वॉज कि आपकी इतनी बड़ी सेना में अब होगा आपका फिरंगी सेना। ब्रिटिशर्स की जो सोल्जर्स थे उनको फिरंगी सेना ही कहा जाता था, ठीक है? सो अब आपकी सेना में फिरंगी सेना भी आपके साथ रहेगी। इसी के ही साथ आपके राज्य में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन एक बंदे के बिना नहीं लिया जाएगा, और वो एक बंदा कौन था, रेजिडेंट। इसको सिर्फ सुन लो, आपको बस सुना हुआ होगा तो पेपर में थोड़ा याद आ जाएगा, बट इसको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, इसको बस सुन लो एक बारी। रेजिडेंट यूज्ड टू बी अ पर्सन जो राजा के यू नो द मेन एरिया जहां पे डिसीजंस लिए जाते हैं वहां पे रेजिडेंट यूज्ड टू बी देयर। और ये रेजिडेंट कौन था, ये ब्रिटिशर था, ठीक है? सो ये ब्रिटिश रेजिडेंट यूज्ड टू रिजाइड इन द यू नो दैट डिसीजन एरिया ऑफ द राजा, और कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा तो वो इसकी मंजूरी के बिना नहीं लिया जाएगा। मतलब राजा तो सिर्फ एक डिफैक्टो रूलर बन के रह गया, सारे डिसीजंस जो थे वो तो ब्रिटिशर्स के हाथ में ही चले गए। दिस वॉज द फर्स्ट थिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स। नंबर सेकेंड थिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स वॉज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इंट्रोड्यूस्ड बाय हु, याद रखिएगा डी से डॉक्ट्राइन, डी से डलहौजी। सो लॉर्ड डलहौजी वॉज द वन जिन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया। इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के चलते इन्होंने बोला कि अगर कोई राजा है
और उसका अपनी अपना बच्चा नहीं है तो वो किसी एडॉप्टेड चाइल्ड या किसी फॉस्टर चाइल्ड उसको अपने राजपाट को सौंप नहीं देगा. सो दिस वॉज अनदर थिंग विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स. इसी के चलते आपके झांसी में बहुत ज्यादा बवाल हुआ था जिसमें आपकी रानी लक्ष्मीबाई को महल से बाहर भी निकाल दिया गया था और फाइनली उनकी ग्वालियर में जाकर उनकी डेथ हो गई थी. सो दीज वर सम ऑफ द पॉलिटिकल रीजंस जिसकी वजह से जो आपके ब्रिटिशर्स हैं उनके तरफ जो खुंदक होती है और जो डिससैटिस्फैक्शन होती है वो हमारे इंडियंस में बढ़ती जा रही थी. नाउ पॉइंट टू रिमेंबर, अगर पूछा जाए हु वॉज मेड एज द सिंबॉलिक हेड ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, बहादुर शाह जफर. लिखिए इसको, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर. हु वॉज बहादुर शाह जफर? लास्ट मुगल सुल्तान ऑफ सल्तनत. ठीक है, बहादुर शाह जफर. देखो आपको पेपर में बहादुर शाह जफर भी लिखा हो सकता है, बहादुर शाह सेकंड भी लिखा हो सकता है, दोनों यही है. ठीक है, सो बहादुर शाह जफर वॉज मेड एज द सिंबॉलिक हेड ऑफ द रिवॉल्ट. सिंबॉलिक हेड ऑफ द रिवॉल्ट. एम आई क्लियर? लिखा आपने? ठीक है, अब इनको बनाने की जरूरत क्या पड़ी? एक्चुअली हुआ क्या था, रात के टाइम पे, कहानी है, रात के टाइम पे जितने भी ये सिपॉयज और जितने भी ये आपके पीजेंट्स वगैरह थे ना, वो सबके सब राजा के महल में पहुंच गए. राजा बेसिकली ये किसी काम के अब रहे नहीं थे, मतलब काम के नहीं रहे थे, कहने का मतलब है एक तो ये बहुत बुजुर्ग थे और इनको भी ब्रिटिशर्स ने पूरा खोखला कर दिया होता, तो ये सिर्फ नाम के मुगल सुल्तान रह चुके थे, काम वाम इनका कुछ ज्यादा नहीं था और ऊपर से ये इतने बुजुर्ग थे कि ये कभी भी, ठीक है ओके, सो ये कभी भी जा सकते थे, जिसके चलते इनका ज्यादा कोई रेलेवेंस नहीं था. बट इनको सिंबॉलिक हेड इसीलिए बनाया क्योंकि थे तो ये मुगल सुल्तान और मुगल सल्तनत. जब हम मिडीवियल हिस्ट्री पढ़ते हैं इंडिया की तो हम प्राइमरीली मुगल्स के ऊपर फोकस करते हैं, तो इनका नाम बहुत बड़ा था और इनको पता था, पीजेंट्स को, सिपॉयस को पता था और जो बाकी के लोग थे उनको पता था, अगर ये हमारे साथ जुड़ गए तो लोगों को एक उत्साह आ जाएगा कि ठीक है भैया सुल्तान भी हमारे साथ है. नाउ रात के टाइम पे जब लोग इनके पास पहुंचे तो उन्होंने सुल्तान को बोला कि सुल्तान देखो प्यार से हमारा साथ दे दो, वरना वो तो बाद में मारेंगे, पहले हम आपको मार देंगे. जिसके चलते बहादुर शाह जफर हैड नो अदर ऑप्शन बट ही हैड टू एंड हैड टू गिव साथ ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857. तो इसी रीजन के चलते बहादुर शाह जफर ने साथ दिया आपके रिवॉल्ट ऑफ 1857 में, जबकि बहादुर शाह जफर ऑल्सो न्यू कि यार वैसे भी अब तो कुछ रहा नहीं है, तो अच्छा इन लोगों का साथ दे दूं, शायद इतनी लोग जब प्रेशराइज करेंगे तो शायद मुझे भी वापस अपना जो है मुगल सल्तनत मिल जाए. लेकिन बहादुर शाह जफर की 1857 में जब आपका रिवॉल्ट शुरू हुआ, 1857 के सितंबर के महीने में ही आपका जो है दिल्ली को वापस से कैप्चर कर लिया गया था. बहादुर शाह जफर वो कैप्चर्ड, उनको जो है एग्जाइल बाद में, पहले उनको जेल में बंद कर दिया गया और फिर फाइनली इनको एग्जाइल पे भेज दिया गया रंगून. लिखिए ही डाइड एट रंगून. हु डाइड? बहादुर शाह जफर डाइड एट रंगून. ठीक है, तो बहादुर शाह जफर की जो डेथ है वो हुई आपके रंगून में. नाउ बहादुर शाह के एक नोबल थे, दैट इज जहीर दहलवी. जहीर दहलवी, आई विल चेक द स्पेलिंग्स अगर यही स्पेलिंग्स है तो, बट जहीर दहलवी वॉज द वन जो इनके एक नोबल थे और उन्होंने किताब लिखी थी दास्तान ए गदर. दास्ताने गदर वॉज रिटन बाय जहीर दहलवी और वो कौन थे? वो बहादुर शाह जफर के कोर्ट पोएट थे. ठीक है, और ये गदर का मतलब द रिवॉल्ट ऑफ 1857. अगर आप पूछेंगे ना तो लोग क्या जो बहुत जो यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं ना, मोस्टली हिंदी मीडियम, उसको गदर ही कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो रिवॉल्ट था ये गदर ही था, सनी देओल वाला नहीं, दूसरा वाला. ठीक, सो दास्तान ए गदर वॉज रिटन बाय हु? इट वॉज रिटन बाय जहीर दहलवी एंड हु वॉज ही? वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ योर बहादुर शाह जफर और बहादुर शाह सेकेंड. आपने लिखा?
दिख लिया सबने, दिख रहा है? ठीक है, ओके। नाउ जब बहादुर शाह जफर को उठा के लेके चले गए, तो मैंने एक किताब में पढ़ा था कि इनके सामने इनके बेटे को बुच्चर कर दिया गया, ताकि इसलिए नहीं कि उनको डर था कि इनका बेटा जो है वो कुछ बन जाएगा, बट ही दे वॉन्टेड टू सेट एन एग्जाम्पल कि अगर अगली बारी कोई भी हमारे सामने आवाज उठाएगा तो पहले इनका जो है हशर देख ले और फिर हमारे सामने आवाज उठाए। अगर वैसे तो शोहेब सर इज वेरी फेमस फॉर हिज शेरो शायरी, सो आई डोंट नो हाउ टू डू शेरो शायरी, बट बहादुर शाह जफर ने एक जगह कहा था, अब मैं इसको हिंदी में ही बोलूं क्योंकि वो जो पूरा जो तलमे तुलमे होते हैं ना वो मुझे लगाने नहीं आते, ठीक है। सो उन्होंने कहा था कि मैं इतना अनफॉर्चुनेट हूँ कि इतना बड़ा सुल्तान होके मुझे हिंदुस्तान में दो गज की जमीन भी नहीं मिली, और कहाँ जाके मरा मैं, रंगून में जाकर, वहां पर ही मुझे दफना दिया गया, ठीक है। सो इसका एक बार ये शेर पढ़ना, बहुत खूबसूरत शेर है, वो बात अलग है कि मुझे याद नहीं रहता, ठीक है, बहुत कोशिश करती हूँ मैं, ठीक है। Am I done? Clear हो गया आप सबको? Now we'll read about the revolt of 1857. Now first is the economic cause. So what did I tell you? What was the economic cause? Heavy taxation. तो इतना heavy taxation था कि लोग जो है वो tax भरे, अपना पेट पाले या बच्चों को देखे. So इनकी बहुत ज्यादा बुरी हालत थी. Now icing on the cake was कि सिर्फ tax ही unjust नहीं था. दो चीजें हमारे यहाँ पे अतिथि देवो भव की तरह आती थी, फेमाइन, ड्रॉट्स, फ्लड्स। ये तीनों चीजें अगर आप देखेंगे ना, कभी हिस्ट्री पढ़ोगे, फेमाइन आ गया, ड्रॉट आ गया, ये बहुत ही कॉमन शब्द है जो वहां पर हमारे इंडिया में उस टाइम पर आते थे। अब जब फेमाइन आ गया, ड्रॉट आ गया, सब पूरी की पूरी जमीन जो है वो खराब होगी, फसल खराब होगी, तो लोग कहाँ से टैक्स को भरेंगे, ठीक है। सो हैवी टैक्सेशन वॉज वन ऑफ द इकोनॉमिक रीजन जिसकी वजह से यहाँ पे क्या थे, लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्करेज इंडियन गुड्स एंड प्रमोटेड ब्रिटिश गुड्स। अब यहां जाने से पहले ये ब्रिटिश गुड्स, इंडियन गुड्स बेसिकली था क्या, हमारे यहाँ पे क्या था, हैंडीक्राफ्ट, हम अपने हाथ से चीजें बनाते थे, राइट। तो हमारे यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट है वो बहुत ज्यादा फेमस था। जैसे ही ये लोग आए, उन्होंने कंपनी वगैरह यहाँ पे शुरू कर दी। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैं लड़की हूं तो मैं लड़कियों वाले एग्जाम्पल दे सकती हूँ, कश्मीरी सूट, राइट। तो जब वो ऐसे कढ़ाई करके देते, क्या बोलते हैं, मैडम जी ये, मैं कहती हूँ भैया इतना सा है इसमें तो पैच नहीं, हाथ की कढ़ाई है, हाथ की कढ़ाई है, तो वो बोलते हैं कि जी मैडम ये 2,500 का है। और वैसा ही सेम सूट अगर आप मशीन की कढ़ाई का लेंगे, कितना है, 350 So, जिसकी वजह से जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था वो ब्रिटिश के जो फिनिश्ड गुड्स थे उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। इसी के ही साथ यहां से रॉ मटेरियल को भर भर के लिया जाता था और मैनचेस्टर में जाके फिनिश्ड गुड्स बनाकर इंडिया में बेचा जाता था। रॉ मटेरियल के लिए इनको पिंतू से पैसे दिए जाते थे और जब फिनिश्ड गुड यहाँ बन के आता था तो वही 100-150, मतलब अभी के हिसाब से बोलिए 100-150 की चीज 1,000-1,500 में बनाकर यहाँ पर बेचते थे। सो यहाँ पे इंडियन गुड्स जो है वो नीचे जा रहे थे और ब्रिटिश गुड्स जो है वो ऊपर जाने शुरू हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल कॉजेस, व्हाट वर द पॉलिटिकल कॉजेस? नंबर वन, सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय हु? लॉर्ड वेंसडे। सो लॉर्ड वेंसडे ने इंट्रोड्यूस किया सब्सिडरी अलायंस, दैट इज सब्सिडरी। अब आपको ब्रिटिश सरकार के नीचे काम करना पड़ेगा। अच्छा एक और चीज सुनो, अभी ब्रिटिश सरकार आई नहीं है, अभी कौन है, कंपनी है, अभी सर ब्रिटिश आई नहीं है, अभी कंपनी का राज यहां पर चल रहा है। कंपनी का राज आपके 1858 में खत्म होगा, अभी ब्रिटिश जो है वो अभी तो फ्रीडम स्ट्रगल शुरू भी नहीं हुआ है, अभी कंपनी ही है जिससे हम लोग तंग आ चुके हैं, ठीक है। सो दैट इज लॉर्ड वेंसले, सब्सिडरी अलायंस। नेक्स्ट इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। ओके, नेक्स्ट इज द सोशियो रिलीजियस कॉजेस, दैट इज व्हाट, व्हाट डिड आई टेल यू, एबॉलिशन ऑफ सती, सपोर्ट ऑफ विडो री मैरिज, इसी के ही साथ विमेन एजुकेशन को प्रमोट करना। एंड विवियन एक बहुत बड़ा नाम है जो इनके साथ जुड़ा हुआ है, वो हम रिलीजियस कॉजेस में, आपके सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स में पढ़ेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट इज हिंदू कस्टम्स, उन सबको क्या करना, मॉडिफाई करने की बात हो रही, जिसकी वजह से इंडियंस जो थे वो खुश नहीं थे और प्राइमरीली हिंदू सोसाइटी वॉज नॉट हैप्पी. एंड वॉट वॉज द इमीडिएट कॉज, द इमीडिएट और द ट्रिगर पॉइंट वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल, जिसका कार्ट्रिज जो है उसमें फ्लैश था आपके बीफ और पोक या पिग मीट का. और फाइनली जो रिवॉल्ट है वो 10 मई 1857 में शुरू होता है आपके मिरट से. सो पेपर में पूछा जाए कि रिवॉल्ट शुरू कहाँ से हुआ, तो रिवॉल्ट शुरू हुआ आपके मिरट से. और मंगल पांडे किस कहाँ से बिलोंग करते थे, मंगल पांडे यूज टू बिलोंग फ्रॉम द 17 नेटिव इन्फेंट्री. Yes, 34 नेटिव इन्फेंट्री को मंगल पांडे बिलोंग करते थे. और मंगल पांडे वॉज द वन जिन्होंने ब्रिटिश का एक सोल्जर दैट इज सार्जेंट मेजर बाघ, उनको गोली मारी. एंड ऑफकोर्स मंगल पांडे को पकड़ लिया गया और ऑफकोर्स उनको मार दिया गया. ठीक है जी, ओके. हाँ देखो बड़े समझदार हो, ठीक है. सो 34th नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे आपके मंगल पांडे. कहाँ लिखा है मंगल पांडे, सो लिख दीजिएगा यहाँ पे, ये मंगल पांडे इसी से ही बिलोंग करते थे. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ देम वर डिसमिस्ड और फिर सबका सफाया कर दिया गया. रिवॉल्ट को ना बेसिकली पूरा सप्रेस करने में इनको बहुत साल लगे, 1862-63 में जाके पूरा रिवॉल्ट सप्रेस हुआ था. लेकिन दिल्ली को कैप्चर कर लिया ना सितंबर के महीने में, तो जब दिल्ली जहां का सिंबॉलिक हेड था, हेड को ही कैप्चर कर लिया, तो आगे का रिवॉल्ट कौन चलाएगा. ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री मतलब जिस जगह के नेटिव्स थे वहीं कहीं वहां इन्फेंट्री क्या होती है, एक होता है आपका सोल्जर्स में इन्फेंट्री, एक आपका आर्मंड होता है, एक आपका आर्टिलरी होता है. इन्फेंट्री मतलब फुट सोल्जर्स, तो जो फुट सोल्जर्स होते थे दे वर कॉल्ड एज द इन्फेंट्री. एंड नेटिव मतलब कि जो वहां के लोग थे वो सबके सब सोल्जर्स बन जाते थे. एम आई क्लियर, सो दैट इज वाई दे वर कॉल्ड एज द नेटिव इन्फेंट्री. फाइन, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, हु वॉज द सिम्बॉलिक हेड, द सिम्बॉलिक हेड ऑफ द रिवॉल्ट वॉज बहादुर शाह जफर और बहादुर शाह सेकेंड. अब जो आपको मैंने ऊपर कितनी बड़ी कहानी सुनाई है ना, वो आपको याद रहेगी. ओहो रुक जाइए, नो लॉन्गर एग्जिस्ट मतलब, ओके आ गया, ये ना थोड़ा सा यहाँ पे खराब हो गया. चलो, अब जो मैंने आपको ऊपर की कहानी सुनाई है ना, वो आई एम श्योर आपको याद रहेगी, क्योंकि उसमें याद रखने वाला कुछ खास था नहीं. लेकिन जो डब्बा बना है ना यहाँ पे, इसको फेविकोल के साथ चिपका लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कहाँ से रिवॉल्ट को लीड किया था. पहला इज योर दिल्ली, सो दिल्ली से कौन था जी, बहादुर शाह जफर. जफर था ना, कौन लिखा है जी, जनरल बख्त खान या बख्तियार खान, किसी किसी किताब में बख्तियार खान भी लिखा होता है. तो याद रखना एक बात कि जो आपके बहादुर शाह जफर थे उन्होंने रिवॉल्ट को लीड नहीं किया था, रिवॉल्ट को लीड करने वाले थे उनके जनरल या कमांडर, दैट इज जनरल बख्त खान. तो जनरल बख्त खान वॉज द वन जिन्होंने दिल्ली से रिवॉल्ट को लीड किया था. नंबर सेकेंड इज नाना साहेब, तो नाना साहेब कहाँ से, कानपुर. तो ही वॉज बाजीराव सेकेंड फॉस्टर चाइल्ड, तो इनको जो है राजपाट देने के लिए मना कर दिया, तो इनको बोला कि आप क्या करो यहां से बाहर निकल जाओ. सो नाना साहिब वॉज द वन जिन्होंने कानपुर से रिवॉल्ट को लीड किया था, बट ऑफकोर्स नाना साहिब को भी यहां से बाहर निकाल दिया गया. अब अगर पूछा जाए कि नाना साहिब वॉज हेल्प्ड बाय हु, तांतिया टोपे, याद रखिएगा, लिख लीजिए इसको, नाना साहेब वॉज हेल्प्ड बाय तांतिया टोपे. ठीक है, अब अपने नोट्स पर ही लिख लीजिए चाहे. सो तांतिया हो गया, अब ऐसे बचता रहेगा. ठीक है, सो नाना साहेब वॉज हेल्प्ड बाय तांतिया टोपे. क्लियर, नेक्स्ट इज बिहार. सो बिहार से लीड करने वाले थे आपके कुंवर सिंह या कन्वर सिंह. सो कुंवर सिंह ने लीड किया था आपके बिहार से रिवॉल्ट को. नेक्स्ट इज लखनऊ. लखनऊ से लीड करने वाली थी आपकी बेगम हजरत
महल, इनके बेटे थे ब्रिजेस कादिस, जिनको बोला गया कि आप जो है सब्सिडरी अलायंस को साइन करो, और क्या हो गया? हाँ जी बोलो, कुछ हुआ नहीं तो कप्पे क्यों मारने शुरू हो गए? ठीक है, ओके। सो बेगम हजरत महल वॉज द वन जिन्होंने लखनऊ से रिवॉल्ट को लीड किया था। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज लक्ष्मी बाई, जिन्होंने कहाँ से लीड किया था? झांसी से इन्होंने लीड किया था। अब रानी लक्ष्मी बाई के साथ दो तीन पॉइंट्स लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिखिए, शी वॉज हेल्प्ड बाई हु, लिखिए शी वॉज हेल्प्ड बाय। नंबर वन नाना साहेब, सो नाना साहेब जिनको यहां से बाहर निकाला गया वो हेल्प करने लगे आपके रानी लक्ष्मी बाई को। सो शी वॉज हेल्प्ड बाय नाना साहेब एंड तांत्या टोपे। सो याद रखिएगा, रानी लक्ष्मी बाई वॉज हेल्प्ड बाय बोथ नाना साहेब एंड तांत्या टोपे। ठीक है, नंबर सेकेंड पॉइंट लिखिए, शी डाइड एट ग्वालियर, शी डाइड एट ग्वालियर। सो ग्वालियर में इनकी डेथ हुई थी। आपको पीछे दिख रहा है ना, क्योंकि यहां तो कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, सो शी डाइड एट ग्वालियर। नाउ अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट विच यू कैन रिमेंबर ओवर हियर इज कि जब लक्ष्मीबाई की डेथ हो जाती है ग्वालियर में, तो बेचारे इन दोनों का क्या होता है, तांत्या टोपे या नाना साहिब का क्या होता है? नाना साहिब जो है वो अपनी जान बचा के ही गोज टू नेपाल, और उसके बाद नाना साहिब की हिस्ट्री के ऊपर हमको कुछ नहीं पता कि नाना साहिब मर गए, नाना साहिब जिंदा रहे वहां पे, राजा तो खैर नहीं बिल्कुल चल रहा था पता। सो नाना साहिब ने क्या किया वहां पे, उसके बारे में हमको कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं है। नेक्स्ट इज तांत्या टोपे। तांत्या टोपे जो थे वो अपनी जान बचाते बचाते ही फ्लेड टू द वुड्स, वुड्स मतलब जंगल, और जंगल में एक दिन मस्त सो रहे थे, और जब आंखें खुली तो साम शेर नहीं आया यार, ब्रिटिशर्स वहां पर आ गए, और फिर वहीं पर ही तांत्या टोपे को मार दिया क्या। सो दिस इज हाउ तांत्या टोपे एंड नाना साहिब बोथ ऑफ देम, तांत्या टोपे डाइड एंड नाना साहिब वे डिड ही गो, वी हैव नो आइडिया। एंड ऑफकोर्स रानी लक्ष्मी बाई वॉज द वन जो ग्वालियर में ही उनकी डेथ हो जाती है। एंड द फेमस नेम एफिलिएटेड विद द रिवॉल्ट और द किलिंग ऑफ रानी लक्ष्मी बाई, दैट इज हंग रोज। तो हंग रोज वॉज द वन जिन्होंने इनको मारा था। नाउ अगर आप लोगों ने वो पिक्चर देखी है मनी करने का, जिसकी एक्ट्रेस को अभी नेशनल अवार्ड भी मिला है फॉर द फोर्थ टाइम इन द रो, तो याद, आई एम नॉट नो इन द रो और नॉट, बट फोर्थ आई थिंक नेशनल अवार्ड मिला कंगना रनौत। ठीक है, सो अगर आप वो देखेंगे ना मूवी, तो उसके डायलॉग्स बहुत जबरदस्त लिखे गए हैं, जैसे कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। वो हंग रोज ने जब रानी लक्ष्मी बाई के ऊपर किताब लिखी थी कि झांसी में हुआ क्या था, तो ये इसी के शब्द थे कि रानी लक्ष्मी बाई ने कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं देने वाली। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। किसने बोला? हंग रोज ने कहा था कि सब जितने भी आदमी थे ना उस आर्मी में, सिर्फ एक ही मर्द था उनमें, और वो मर्द थी आपकी झांसी वाली रानी। सो इतनी पावरफुल थी, और पावरफुल तो नहीं कह सकते, बट इतनी हौसले वाली थी आपकी झांसी रानी। ठीक है, और अभी हाल ही में नाम बदलने की भी बात हो रही है, झांसी के रेलवे स्टेशन का नाम बदल के वीरंगना रानी लक्ष्मी बाई के ऊपर रखने वाले हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। ठीक है, बोलिए, कर दिया चेंज? ओके, कर दिया जी चेंज, कर दिया चेंज। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ऑल राइट, अभी खत्म नहीं हुआ, टाइम रुक जाओ, टाइम का क्या करना है। ठीक है, रुक ओके। सो दिल्ली, एक सेकंड में कंप्लीट कर दूं यहां तक, फिर आप शुरू करें। ठीक है, ओके, सुनो। ठीक है, सो याद रखिएगा, दिल्ली जो है उसको सितंबर के महीने में ही कैप्चर कर लिया गया, और जैसे ही सिंबॉलिक हेड की जगह को कैप्चर कर लिया गया, रिवॉल्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो गया। जैसे ही रिवॉल्ट खत्म हुआ, क्वीन ने बोला कि भाई ये तो बहुत गलत कर दिया कंपनी ने, तो उसने बोला कि कंपनी कम बैक, और अब इंडिया में आएगा आपका
क्राउन रूल। तो याद रखिएगा, कल हम शुरू करेंगे आपका क्राउन रूल, ब्रिटिश क्राउन का रूल जो है वो इंडिया में आएगा। राइट डाउन टू मोर पॉइंट्स। ओके, राइट डाउन एट बरेली, जहां पे ये डब्बा बना था ना दिल्ली विल्ली वाला, साथ में लिखिए एट बरेली, कि बरेली से किसने रिवॉल्ट को लीड किया था। लिखिए एट बरेली, बरेली, ये ई है, मैं थोड़ी डॉक्टर टाइप की हूं तो हाँ बेसिकली इंजीनियर हूं, मैंने कहा सब कुछ ही पढ़ लेते हैं, कुछ छूट ना जाए, कोई भी पोस्ट निकले तो कहीं मैं ना छूट जाऊं कहीं, ठीक है। तो बरेली, तो लिखिए बरेली से जिन्होंने लीड किया था, नाम लिखिए उनका, खान बहादुर। सो खान बहादुर वॉज द वन जिन्होंने बरेली से रिवोल्ट को लीड किया था, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए एट फैजाबाद, बिल्कुल फैजाबाद, तो फैजाबाद से लीड करने वाले थे आपके मौलवी, MAULVI, मौलवी अहमदुल्ला। सो अहमदुल्ला वॉज द वन, मौलवी अहमदुल्ला वॉज द वन जिन्होंने कहां से रिवॉल्ट को लीड किया था, बिल्कुल फैजाबाद से लीड करने वाले थे आपके मौलवी। एम आई क्लियर, सबको समझ आया? I'll see you guys tomorrow. कल हम पढ़ेंगे the Good Government Act, क्योंकि ब्रिटिशर्स हैव नो आइडिया नाउ कि अब यहाँ पर किस तरीके से काम को चलाएं। सो कल हम पढ़ेंगे आपका the Council Act of 1858. थैंक यू।